सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह की बज रही है 7:30 और मैं उठ गई थी 6 बजे और बच्चों को मैंने रेडी किया हुआ है। बच्चे जा रहे हैं अभी स्कूल। हेलो दोस्तों, सभी को पहले मेरा गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग स्कूल के लिए रेडी, तो हमने खाना भी खा लिया। तो खाने में मिली थी हलवा तो खीर। तो अभी और मम्मी ने हलवा बनाना बाकी है। तो मम्मी हमारे को हेलो दोस्तों, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आया हुआ अच्छे मेरे काम भी अच्छे। तो हम लोग भी रेडी, तो हमने नाश्ता भी कर लिया। नाश्ते में बनी थी खीर और खीर और पूड़ी। तो हलवा बनना बाकी है, हमें देर हो रही है इसलिए हम अभी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो हमें रानी को मिला ली। तो आज हमारी दादी जी की तीज है। मैंने बना ली है इस पे खीर और इस पे बनाया मैंने पूरी और अभी हलवा हम बनाने के लिए बाकी है। और दोस्तों हमारे घर पे आज तीत है तो इसलिए सब कुछ बन रहा है आज। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई खाली कर दी। अभी इसमें मैं घी डालूँगी। यहाँ पे मेरा घी तैयार हो गया है, एकदम गर्म हो गया है। तो मैं इसके ऊपर डालूँगी सूजी। तो इसको मैं थोड़ी देर अब पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक हमारा हलवा बनता है तब तक मैं सेब को काट लेती हूँ। और ये सेब है जो इन पे गाँव की फीलिंग आ रही है। तो ये जैसे लग रहे कि गाँव के सेब है लेकिन ये गाँव के नहीं है। हम मंडी से लेके आए लेकिन दिखाई दे रहे कि जैसे गाँव के सेब है। तो इनको देखे ना, गाँव के सेब की फीलिंग आ रही है। ये लो जी, हमारा हलवा भी बनके तैयार हो गया, एकदम झकास। खाने में पता नहीं कैसा है। इधर पे छोड़ दो, गिर गया। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अपने पितृदेवतों के लिए भोग भी लगा लिया है, जो जो मैंने बनाया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे परोस दिया है। अब मैं थोड़ी देर यहीं पे प्लेट रखूँगी, उसके बाद देखूँगी छत पे रखूँगी या बाहर गेट पे रखूँगी। ये तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है तो उतना मैंने किया है। और बात बाकी तो घर में करेंगे जो भी होता होगा। लेकिन हमारे घर में पहली तीत है तो मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है, जो जो मैं गाँव में देखती थी कि क्या क्या बनाते हैं। तो ये मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है। इस पे है रायता और ये है खीर, पूरी, हलवा। और तो मुझे पता नहीं है कि और क्या क्या करते हैं। और तो बाद बाकी घर में ही करेंगे घर वाले। हम तो मतलब अब इतना मुझे पता नहीं है। और दोस्तों ये सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि अपने पितृदेवताओं की जैसी हम भी हैं। पहले पितृदेवता हैं तो तब हम हैं। तो वैसे मतलब महीना में एक बार या दो बार आपको मीठा भोजन लगाना ज़रूरी है, या खीर बनाओ या हलवा बनाओ। तो थोड़ा बहुत उनके नाम से चढ़ा दो, ये करना ज़रूरी है। मम्मी बोल रही है कि मतलब जो छोटी छोटी कन्या होती 3 या 5 मतलब उनको भी जिमाते हैं। लेकिन अने सभी स्कूल चले गए हैं और गली में सारे बच्चे स्कूल चले गए, कोई भी घर पर नहीं है। तो बच्चों के आजकल टेस्ट चल रहे हैं तो बच्चे तो कोई है नहीं फिर। और जो पंडित हैं तो पंडित को देते, मतलब मिश्रो होता ना जो उनका, आटा चावल तेल मैन मसाला जो भी होता। तो एक दो गली छोड़ के मतलब पंडित जी भी है तो मैं उनके घर पे देने जाऊंगी। और बात बाकी जितना जितना हमें पता है तो उतना तो हम कर ही लेंगे। और गांव में वैसे हमारे घर पे गांव में तो पंडित जी आएंगे और वो जो भी पूजा पाजा होती वो तो गांव में कर ही लेंगे। तो
स्कूल से आ गए तो हमने दिन को वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मम्मी कहीं कहीं पे गई थी। तो अब हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे तो शाम के बज गए 6। तो अगर आप हमारी वीडियो में नहीं जुड़े तो जाके जुड़ जा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो नहीं जुड़े वो जाके जल्दी से जुड़ जा और बेल आइकन बटन को भी दबा दो जल्दी से जाओ और नीचे टैप कर जाकर। तो हेलो दोस्तों, दोपहर के टाइम मैंने वीडियो बनाई नहीं है और टाइम लगा नहीं है तो मैं कहीं गई थी और अभी ब्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। आई हो आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।